हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट में मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि लंबे हेयर मतलब लंबे वालों में हम लोग किस तरीके से हेयर ऑयलिंग करें। और गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये मेरे बाल नहीं हैं, ये मेरी सिस्टर के बाल हैं और मैं इसकी आज हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी तो इसलिए, और मैं कोकोनट ऑयल से हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, जो कि और ये जो मेरी सिस्टर है इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, इसके घुटने तक बाल आते हैं। और इतने लंबे बालों में हेयर ऑयलिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे जब बाल थे किसी टाइम पे मेरे भी इतने ही लंबे बाल थे। बेबी के बस हो जाने के बाद में बाल झड़ने लगे तो मैंने हेयर कट ले लिया था, और इतने लंबे बालों की केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं भी बालों में ऑयल लगाते लगाते थक गई थी और उनमें कंघा करते करते। इतने लंबे बालों का केयर करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि इन लोगों को पसंद है, मेरे घर में जितनी भी सिस्टर हैं उनको सभी को लंबे बाल पसंद हैं। और घर में अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, अलाउ भी नहीं है बालों में हेयर कट लेना, और इसलिए ये लोग हेयर कट लेते भी नहीं हैं, इसलिए इनके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। और मैं अभी कोकोनट हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, बिल्कुल डीप हेयर ऑयलिंग करूँगी और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। अभी मैंने खूब अच्छे से सिर पर तेल लगा रही हूँ और अच्छे से मसाज भी दे, पहले मैं अच्छे से ऑयल लगा लूँगी उसके बाद ही मैं मसाज दूँगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इन्जॉय करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको किस तरीके से और वीडियो चाहिए, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और अभी मैं मम्मी के यहाँ पे हूँ, तो और भी लड़कियों के बहुत सारे लंबे बाल हैं, तो अगर आप चाहते हो कि ये क्या चीज़ लगाती हैं और इनके बाल किस तरीके से लंबे, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। और गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो ये बाल हैं, मेरी ये जो बहन है इसके बाल इतने अच्छे और इतना मोटा बाल है, बिल्कुल टूटते तो है ही नहीं। अभी इतनी देर मैंने इतनी हेयर ऑयलिंग करी, वरना मैं जब इतना ऑयल डालती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, और इसका एक बाल भी नहीं टूटा। बहुत अच्छी इसकी जो रूट हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं बालों के। और ये हेयर ऑयलिंग भी खुद भी खूब बहुत ज़्यादा करती है, हफ्ते में सिर्फ एक ही दो बार सिर धुलती है अपना, और ऑयल हमेशा डाल के रखती है अपने बालों में। और आप लोग देख सकते हैं इसके बालों की लेंथ, मेरे झुके ही मेरे कमर में दर्द होने लगा था इतनी देर, क्योंकि जब एडिटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो को हम काट भी देते हैं, वरना जो नेचुरल जब हम बनाते हैं नॉर्मल, तो 15 से 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो गाइस, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को अब इन्जॉय करो, और फिर मैं इसमें टू ब्राइड बना के दिखाऊंगी। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करते हो कि मैम टू ब्राइड बनाइए, तो मैं टू ब्राइड बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं हेयर, अगर आप लोग चाहते हैं कि लंबे वालों में हेयर कट कैसे लें, जैसे ट्रिमिंग करते हैं, तो वो भी मैं वीडियो अगर आप लोग चाहते तो मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। आप इस तरीके से अगर हेयर ऑयलिंग करते हैं तो आपकी जो रूट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती हैं और बाल भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहते हैं। वैसे बहुत लोग नहीं करते हैं, मना करते हैं कि इतना हेयर ऑयल नहीं लगाना चाहिए, पर गाइस मैं खुद भी इतना करती हूँ, और जो यहाँ पे जितनी भी मेरी सिस्टर हैं, जितनी भी मेरी ये बहनें हैं, सभी लोग इतना ही ऑयल डालती हैं अपने बालों में। और इस तरीके से मैं इसके बालों में तेल डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं गाइस बताना चाहूँगी, ऑयल डालने में तो बहुत टाइम लगा था, कम से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि एडिटिंग करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कट करके बनाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल डीप करके मैंने ऑयल डाल दिया है और कॉम भी कर दिया है हल्का हल्का, और वापस से एक बार सुलझा रही हूँ बालों को। और फिर मैं इसके बाद इसकी टू ब्राइड बनाऊँगी आपकी रिक्वेस्ट पे। ये 200 ml की मैंने देखा नहीं था गाइस, और उससे भी बड़ी ये सीसी है, तो मैंने हाफ तो लगा ही दी इसके बालों में, हाफ से ज़्यादा ही मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो गाइस, अगर आप लोग इस तरीके की वीडियो और चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इस वीडियो को फुल एंजॉय करना और लास्ट तक ज़रूर देखना।